गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम आज अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। क्लास 5 की बुक है काउंटडाउन, उसका पेज नंबर 8 है। 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर, पेज नंबर 8 है उसका। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करूंगी। राइट द वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट, राइट द वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। राइट द वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। सबसे पहले ए पार्ट है उसका, 2 3 1 1 6। तो और इसे हम किस तरह लिखेंगे? इस वैल्यू को कलर्ड किया गया है 2 को, तो इसे लिखेंगे हम 20,000 थाउजेंड और 20,000 को इस फॉर्म में भी लिखेंगे। इसका सी पार्ट मैं सॉल्व करूंगी, 9 4 0 1 7 9 4 0 1 7। इसमें 4 को कलर किया गया है 4, इसे क्या हम लोग लिखेंगे? 4,000 और 20,000। इसका बी और डी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर टू है इसका। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है उसका, 40024। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह हम लोग लिखेंगे? 4 0 0, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगी सॉल्व, इसका डी पार्ट। 6 0 1 7 5 1, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 6,000 7,000 प्लस 50 प्लस 1। इसका सी और बी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 8, राइट द नंबर इन फिगर्स। उसका ए पार्ट है, 7,500,000 एंड
38। फिगर्स में किस तरह लिखेंगे? 7,500। सी पार्ट इसका सोल्व करेंगे, 100 एंड 11,000 एंड 1। इसे नंबर्स में किस तरह लिखेंगे? 1,11,001, 111,001। इसका सी, इसका बी और डी पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वो मैं आपको बुक पे ही समझा देती हूँ। राइट द करेक्ट सिंबल लेस देन इक्वल ग्रेटर इक्वल इन द ईच द ब्लैंक। टू लैख 84,169 इक्वल होगा 2,84,169। ये लेस देन होगा 3,50,100 से। इस वैल्यू में से 10 को माइनस करेंगे, फिर ये लेस होगी इस वैल्यू से। इस वैल्यू में से 100 को माइनस करेंगे, फिर ये लेस होगी इस वैल्यू से। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लेस होगी इस वैल्यू से। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर और आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, फिर वो लेक्चर रिपीट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।